student. Yesterday we learned about articles. Introduction, its meaning, its kinds, and selection is determined by sound. Today we will learn more about indefinite articles. Number one, article a or an is used in the sense of one of a. Example, I met a friend. This means that I have several friends. I met a friend out of several friends. Jani ke one of him matlab hota hai main se ek. Mere bahut sare chand dost hain jin mein se main ek se mila. I met a friend. A article जो है वो इस फ्रेंड्स को ये जाहिर करता है कि मैं उन चंद अपने दोस्तों में से एक से मिला. He read a story. मेरे पास चंद कहानियां हैं, उनमें से मैंने एक स्टोरी पढ़ी. So a story. Article a is used to represent whole class or a sense of all. Example, a student should be obedient. कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, ये ए जो ए स्टूडेंट है ये सब स्टूडेंट को जाहिर करता है और ए स्टूडेंट को भी जाहिर करता है कि हर स्टूडेंट क्लास का ओबीडियंट होना चाहिए. इसी तरह ए टीचर मस्ट लव हिज स्टूडेंट्स. स्कूल के अंदर बहुत सारे उस्ताद क्राम होते हैं. हर एक टीचर मस्ट लव हिज स्टूडेंट, यानी हर टीचर को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए. यानी एक टीचर अगर प्यार करता है तो सबको ये चीज सबको रिप्रेजेंट करती है कि हर टीचर को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए. तो यहाँ जो आर्टिकल ए है ये ए सब टीचर्स के ऊपर फॉल करता है और एक टीचर के ऊपर फॉल करता है. पॉइंट नंबर थ्री, आर्टिकल ए इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, जो जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. तो हम ए आर्टिकल को लगाकर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में तब्दील कर देते हैं. ही इज ए अली मोहम्मद जिन्ना. क्योंकि अली मोहम्मद जिन्ना साहब एक पॉलिटिकल लीडर थे, हम किसी को भी कह सकते हैं कि ये उन जैसे हैं, ये अली मोहम्मद जिन्ना है. या शी इज ए मदर टेरेसा. मदर टेरेसा एक ग्रेट सोशल वर्कर हुई हैं. तो कोई भी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि समाज में कोई भी ऐसी लेडी जो उन जैसा काम करे, हम बोल सकते हैं कि ही इज ए मदर टेरेसा. पॉइंट नंबर चार, ए इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरी. किस तरह? फॉर एग्जांपल, 10 rupees ए डजन. जब हम या 5 rupees ए किलो ट्वाइस इन ए डे. मान लीजिए हम बाजार जाते हैं तो हम मैंगो सेलर के पास जाते हैं, उसके पास एक टोकरी में बहुत सारे मैंगो रखे हुए हैं. तो हम उससे प्राइस पूछते हैं, वो बोलता है 10 rupees ए डजन. यानी टोकरी में अगर 20 किलो है तो वो हमें एक डजन की कीमत बताता है. तो कहता क्या, ए लगा कर, ए आर्टिकल लगा कर 10 rupees ए डजन. इसी तरह 5 rupees ए किलो. अगर टमाटर 20 किलो है तो वो हमें एक किलो के हिसाब से कीमत बताता है, 5 rupees ए किलो. आप या हम कहेंगे ट्वाइस इन ए डे, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये दवाई आप दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार. यहाँ ए जो है एक दिन को प्रेजेंट करता है और ट्वाइस इन ए डे, ए डे ट्वाइस इन ए डे. पॉइंट नंबर फाइव, ए इज यूज्ड इन एक्सप्लेनेटरी
exclamatory exclamatory sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिन वो सेंटेंस जिनमें हम सडन फीलिंग्स को जाहिर करें। मान लीजिए हमने बहुत सारे बच्चे देखे, एक बच्चा हमें बहुत ही प्यारा लगा, हम कहते हैं व्हाट ए प्रिटी बेबी, या ए जो है ये उनमें से एक को जाहिर करता है व्हाट ए प्रिटी बेबी, आ व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, What a shame, or what a hot day, कितना गर्म दिन। जब हम ये जो है ये हमारी सडन फीलिंग है, what a baby, what a shame, what a hot day, ये हमने सडन अचानक हमने ये फीलिंग हमें आई, चाहे ये खुशी हो या सैडनेस की हो, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और इनके साथ हम ए आर्टिकल लगाकर इसको जाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम कल आगे और इस टॉपिक पर आगे और हम जानकारी हासिल करेंगे। थैंक्स।